शुक्रवार को भिकनगांव की प्राइवेट बैंक में कट्टों की नोक पर लूट का प्रयास करने के मामले में शनिवार रात तीसरे आरोपी के भी शामिल होने का खुलासा भिकनगांव पुलिस द्वारा किया गया। यह तीसरे आरोपी हेमंत राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पत्नी भिकनगांव में कांग्रेस की नेत्री है। मामले में एक आरोपी शुक्रवार को ही मौके से गिरफ्तार किया, जिसे न्यायालय ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा था। मौके से एक आरोपी अखिलेश सिसोदिया फरार हो गया था, जिसकी तलाश जारी है। तीनों ही आरोपी भिकनगांव के ही निवासी हैं। शनिवार को हुई छानबीन में सामने आया कि फरार हुआ आरोपी अखिलेश भिकनगांव सुदीम गिरधर गंगराड़े के साथ इंदौर में रहता था। अखिलेश ने अपने घर वालों को बता रखा था कि वह मुंबई में जॉब करता है। लूट की साजिश में साथ देने वाले आरोपी हेमंत राठौड़ को शनिवार रात और एक आरोपी सोनू चौहान को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया है। मामले में भिकनगांव थाना प्रभारी सौरभ बाथम ने कहा कि बैंक लूट की पूरी योजना आरोपी हेमंत राठौड़ ने बनाई थी। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। सर, भिकनगांव में जो लूट हुई थी उसके एक आरोपी और आपने पकड़ा है, क्या कहना चाहिए? ये दिनांक 10 को जो घटना हुई थी बैंक में लूट के प्रयास की, तो जो आरोपी को पकड़ा गया था सुदीप गंगराड़े, उसको जब हमने पुलिस रिमांड लिया तो पुलिस रिमांड में उसने पूछताछ में बताया कि इस पूरे घटनाक्रम की साजिश जो है उसी के मित्र हेमंत राठौड़ ने रची थी और उसने ही उन्हें कट्टे उपलब्ध कराए थे। तो इस एवज पर जो है हेमंत राठौड़ को कल रात को गिरफ्तार किया गया है और उसी दिनांक को हेमंत ने वो कट्टे देकर जो है एक सोनू चौहान करके है, वह भी भिकनगांव का है, उसको उसने इन सुदीप गंगराड़े जो कि पहले से तैयारी में थे उनको कट्टे सप्लाई करके देने गया था, जिसपे हमने सोनू चौहान को भी गिरफ्तार किया है। और जो आरोपी बैंक से भागा था उसकी पहचान अखिलेश सिसोदिया के रूप में हुई है और अखिलेश सिसोदिया भी गिरफ्तार नहीं हुआ, परंतु टीमें उसको लगातार गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही हैं। जल्दी हमारे द्वारा जो भागा हुआ आरोपी है अखिलेश सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, लगातार क्या इसमें और भी आशंका जताई जा रही है कि और भी आरोपी हो सकते हैं इसमें? अब ये अखिलेश को गिरफ्तार करने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन अभी तक जो है 3 आरोपी जो हम लोगों ने पूरी घटना में गिरफ्तार कर चुके हैं, मात्र एक शेष आरोपी बचा है, उसके बाद ही विवेचना के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें और अन्य आरोपी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।